शेफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं हूँ आज क्योटो जापान में, और अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग नहीं देखे हैं टोक्यो और कावाकुची को माउंट फूजी के, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो ये है अर्बन होटल क्योटो गोजो प्रीमियम, और यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है आपको, तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं क्योटो स्टेशन और वहाँ पे लंच करेंगे, और फिर वहीं से मेट्रो पकड़ करके अट्रैक्शंस कवर करेंगे। हमारे यहाँ से बस का भी ऑप्शन था, लेकिन बस यहाँ पे बहुत टाइम लेती है क्योंकि हर 300-400 मीटर में यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, और बस स्टॉप में तो रुकती है, फिर ट्रैफिक लाइट में भी रुकती है। तो जो पूरी जर्नी है जो 30 मिनट की है, वो 50 मिनट्स की जर्नी हो जा रही है हमारे यहाँ से। तो हम स्टेशन जाएंगे और वहाँ से सबवे लेकर के फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो शर्ली और शिखर जा रहे हैं आगे। तो ये जो क्योटो है, ये इसके दो साइड हैं। एक है ऐसा पूरा कंक्रीट जंगल जिसे आप कह सकते हो, और दूसरा है बिल्कुल शांत और ओल्ड स्टाइल हाउस है वहाँ पे। स्ट्रीट बहुत सुंदर है। कल शाम को हमने गए थे वहाँ पे, आपने अगर प्रीवियस ब्लॉग देखा हो तो। तो हम लोग बस से उतर गए थे, ये क्योटो स्टेशन है। अभी हम लोग इसके बैक साइड में हैं, हम लोग उतरे थे फ्रंट साइड में। क्योटो टावर है जिस तरफ, उस तरफ उतरे थे। तो अब यहाँ से हमें रोड क्रॉस करनी है, और एक जापनीज रेस्टोरेंट है यहाँ पे, हम वहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो इन फ्यूचर, तो आप नोट कर सकते हो ये जगह अगर वेजिटेरियन हो तो। है मेरी आइस लाते, साथ ही में जापानीज करी। ये पूरी वेजिटेरियन करी है, आप देख सकते हैं इसमें वेजिटेबल्स भरे हुए हैं। और जो शिखर ने मंगवाया है वो है स्पिनच करी जापानीज स्टाइल, और साथ ही में है चिकन कटलेट। तो यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है मेन्यू में, और बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है ये। तो हम लोगों ने भी जो लंच करा है उसका बिल आया था अराउंड इंडियन रुपीज़ में 1200-1300, और बहुत ही टेस्टी करी लगी मुझे तो। तो आप लोग ये अगर वेजिटेरियन है तो ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन है इनके पास वेजिटेरियन का। और इन लोगों का खाना कंपेयर टू यहाँ पे अगर आप इंडियन देखोगे तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा सस्ता है। तो जा रहे हैं हम लोग वापस अब लंच करके क्योटो स्टेशन, और यहाँ से हम लोगों को लेनी है अभी JR लाइन, और हम लोग जा रहे हैं अब सबसे पहले बैम्बू फॉरेस्ट। तो हम लोग पहुँच गए क्योटो स्टेशन में, और यहाँ सामने ही है सिनकानसन लाइन। तो जिनको बुलेट ट्रेन में बोर्ड करना है सिनकानसन में, वो यहाँ से एंटर करेंगे। पर हमें लेनी है सबवे। हम पहुँच गए सबवे स्टेशन पे, और ये सामने यहाँ पे ट्रेन भी खड़ी है। ले लिया है हमने टिकट। ऐसे लगता है कि हम लोग सच में कोई रेलवे स्टेशन में होंगे बहुत बड़े, और एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, इतनी तो लाइंस होती हैं यहाँ पे। तो स्टेशन से निकल के थोड़ी वॉक है, अराउंड 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर।
तो कितनी भीड़ आ रही है सामने से। तो यहाँ पे मिल रहे हैं स्वीट पोटैटो चिप्स, साथ में डेंगो, इधर है सुवीनियर शॉप। तो हम लोगों ने अब बैम्बू फॉरेस्ट में एंटर कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स हैं और इसका नाम है नोनोमिया। बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। वैसे तो अब खाली होने लग गया है लेकिन इतना भी हमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो मुझे ये जगह इंस्टाग्राम की वजह से बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड लगी। तो एक पॉपसिकल लिए हमने, शर्ली को भी इससे पहले कभी ट्राई नहीं करवाया। तो अलग अलग फ्लेवर अवेलेबल है इसमें भी, माचा, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, रेड बीन सब मिल जाएगा। तो हमने लिए मिल्क। थैंक यू। तो ये है हमारी आइसक्रीम पॉपसिकल। तो पहुंच गए हम लोग स्टेशन। 10-15 मिनट्स की वॉक थी बैम्बू फॉरेस्ट से लेके यहाँ तक की। और पूरे रास्ते भर में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बेकरी सब दिख जाएंगे, या आइसक्रीम पार्लर। तो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो, ट्राई कर सकते हो कुछ नया। और क्योटो सच में बहुत सुंदर है। हर एक लेन यहाँ पे देखने में मज़ा आ रहा है। तो यहाँ की फेमस अराशियामा करी ज़रूर ट्राई करिएगा। हर ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में मैंने देख लिया लिखा हुआ, बेसिकली जापानीज करी। तो गाइज़ मैं ले रही हूँ रोमांटिक ट्रेन का टिकट और ये है इसकी टाइमिंग। तो लास्ट ट्रेन इतने बजे चलती है, 4:02 पे। तो मैं राउंड टिकट ले रही हूँ, उसका प्राइस है पर पर्सन 1760 येन का। तो अगर आपके साथ बेबी भी हैं जो कि 6 ईयर्स से अबव है तो उनका भी टिकट का प्राइस पड़ेगा 880। ओके, थैंक यू। शर्ली सो गई है और सेम ट्रेन में अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे पास स्ट्रॉलर भी था तो उसने बोला कि आप नहीं उतरो, सीधे यहीं से वापस बोर्ड कर लो। तो हम लोग वापस आ गए सागा अराशियामा स्टेशन में और अब यहाँ से पहले जाएंगे क्योटो स्टेशन और वहाँ से जाएंगे फिर हम इनारी। तो हम लोग पहुँच गए हैं क्योटो स्टेशन और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा लो कितना टूरिस्ट और कितना लोकल की भीड़ है इस टाइम। ये अभी ऑफिस आवर्स भी ख़त्म हो गए हैं इसलिए इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ है। तो ये खड़ी है ट्रेन, यही ट्रेन नारा भी जाती है एक्चुअली।
और इसमें लिखा हुआ है नारा। तो पहुंच गए हम लोग इनारी स्टेशन में, फुजीमी इनारी दिशा इस तरफ दिखा रहा है हमें, लेनी है एलिवेटर। ओ ये तो यहीं से शुरू है, वाह। और ये देखिए गाइस फर्स्ट लुक, तो बिल्कुल स्टेशन से निकलते ही दिख जाएगा आपको ये तोरी गेट। और चलते अब यहाँ से अंदर, काफ़ी सारे लोग तो अब वापस आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी बेस्ट फ़ोटोज़ चाहिए तो या तो अर्ली मॉर्निंग विज़िट करना या तो फिर इवनिंग में, लेट इवनिंग में, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे लोग वापस जाना शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों को फ़ोटोज़ मिल जाएगी। तो अभी तो हमें स्ट्रॉलर का रास्ता मिल गया, देखते हैं कितने आगे तक ये रैंप मिलेगा। काफ़ी खाली हो चुका है, अदरवाइज तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती यहाँ पे। और ये क्योटो की वन ऑफ द फेमस जगह है जहाँ पे टूरिस्ट विज़िट करते हैं। यहाँ से अब तोरी गेट शुरू हो रहे हैं लाइन से, और बहुत लंबी वॉक है अभी तो, पूरा ऊपर तक जाना है हमको। तो अगर आप लोगों को फोटोज चाहिए तो बिल्कुल फ्रंट में मत खड़े होना, थोड़े से आगे चले जाना, क्योंकि सब लोग स्टार्टिंग में रुक जाते हैं। जब हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं आधे रास्ते से ही, क्योंकि शर्ली को डायपर लीक हो गया है और उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस, हम लोगों को एग्जिट लेना पड़ रहा है, तो अब ऊपर नहीं जा पाएंगे। जल्दी आओ शर्ली, जल्दी आओ। हम लोग पहुंच गए हैं क्योटो स्टेशन, और अब यहां से हम जाएंगे सीधे हमारे होटल और वहीं कुछ खा लेंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं। शर्ली को भी नींद आ रही है। आई होप गाइज आपने ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।